हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस होते क्या? केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चेंजेस पता होने चाहिए। क्या क्या है वो चेंजेस? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या है ये फिजिकल और केमिकल चेंज? देखते हैं। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है विथ न्यू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल, ठीक है। कुछ कुछ रिवर्सिबल होते हैं, बट वो आपको फर्दर क्लासेस में पता चलेगा। राइट नाउ अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल चेंज जो होता है वो है चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। कलर तो चेंज होता है, स्टेट भी चेंज होता है, बट कोई नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है। और ये क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि अपने स्टेट में वापस कन्वर्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक आइस क्यूब है, इसको मैंने बाहर थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो ये क्या होगा? मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसको वापस फ्रिज किया, फ्रिज करने के बाद मेरे को वापस क्या मिल जाता है? आइस क्यूब। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये कैसे अपने स्टेट में वापस कन्वर्ट हो गया, बट केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ये कैंडल है हमारे पास। ये कैंडल क्या है? एक फ्यूल है। और हमें पता है कि कैंडल क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है। तो देखो यहाँ पे ये वैक्स निकला है, इस वैक्स को हम दोबारा रीयूज करके कैंडल को बर्न कर सकते हैं। वैक्स क्या है? बेसिकली रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। लेकिन जब कैंडल बर्न हो रहा होगा, ठीक है, अपार्ट वैक्स, तो ये चेंज हो रहा होता है। किस में चेंज हो रहा होता है? ये सॉलिड गैसेस में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। और ये गैस क्या होता है? ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कार्बन होगा। और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर देखा, इस गैस को वापस तो मैं कंडेंस करके इसको कैंडल नहीं बना सकता। तो हियर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ तक कि जो हमारे घर में कर्ड बनता है, तो कर्ड को हम वापस मिल्क नहीं बना सकते। मम्मी खाना बनाती है तो वापस को वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम खाना खाते हैं, वो हमारे बॉडी में पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। तो क्या हम वापस उसको रिगेन कर पाते हैं? नहीं कर पाते उसके स्टेट को वापस रिगेन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो पेट्रोल डीजल ये सब क्या है? फ्यूल्स है। इन सबको अगर बर्न करते हैं तो क्या वापस हमें मिलता है स्टेट? नहीं मिल पाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में कभी रस्ट लगता है तो वापस हमें नहीं मिल पाता। तो ये क्या है? केमिकल चेंज, जिसमें हमें वापस स्टेट नहीं मिल पाता। तो दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। बट फिजिकल में क्या है? हमें वापस मिल जाता है वो स्टेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल और दे भी रखा है। ये देखिए, जब वाटर को चेंज करते हैं हम स्टीम में बॉइलिंग करने के बाद, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। इवन दो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट, यहाँ तक कि वो अलग अलग दिखाई देता है, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस, बट जस्ट क्या किया उन्होंने? अपना स्टेट चेंज करा है, लिक्विड से वेपर में गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना किसी नए केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं हम इसको। हमारी बुक में दे रखा है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं, हीट कभी भी करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। जब इस मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है, तो क्या फॉर्म्ड हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका कलर कैसा होता है? वाइट कलर का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रिबन है, इस रिबन को जब हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो ऐश यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस कलर का होता है? वाइट कलर का, ठीक है।
और यहाँ पर एक फ्लेम आ रहा होता है। फ्लेम कैसा होता है? डेजलिंग फ्लेम। ये डेजलिंग फ्लेम कब तुमने देखा है? जब भी हम दिवाली के वक्त में कोई क्रैकर बर्न कर रहे होते हैं तो तुमने देखा होगा वाइट कलर का एकदम लाइट सा जो आता है वो होता है डेजलिंग फ्लेम। तो वेन एवर वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इट प्रोड्यूस डेजलिंग फ्लेम। ओके, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का होता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसे हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? तो रब इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सराउंडिंग में जो घूम रहे हैं ऑक्सीजन है वो क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। कैसा लेयर फॉर्म करते हैं? ऑक्साइड का लेयर। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव करने के लिए हमें किसका अप्लाई करना पड़ता है? सैंड पेपर का, ताकि ये प्रोटेक्टिव लेयर रिमूव हो जाए और ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए और क्या बना दे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे केमिकल चेंज हुआ है। वापस उस पाउडर को हम मैग्नीशियम में तो कन्वर्ट नहीं करा सकते, इस सॉलिड स्टेट में तो कन्वर्ट नहीं करा सकते, ठीक है, और उसमें से ऑक्सीजन को भी रिमूव नहीं कर सकते हम, सॉलिड में से गैस में तो कन्वर्ट नहीं करा सकते यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो रिएक्शंस हुए हैं इनके पहचानने का तरीका क्या है? तो हमारे पास पांच तरीके हैं, पांच तरीके से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या क्या है वो? एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो ये जितने भी पांच पॉइंट्स हैं इनको हम एग्जाम्पल के से देखते हैं। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन मतलब निकलना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। लिबरेट मतलब निकलना, और इसके लिए हम रिएक्शन के अंदर कैसा साइन यूज करते हैं? ये इसका अपवर्ड की तरफ। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? कि कोई गैस निकल रहा है उसमें से। जैसे यहाँ पे देखो, ये बीकर है और एक बीकर है, इस बीकर में क्या है? जिंक है, ऊपर वाले में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब इस एसिड को हम इस मेटल में, जिंक एक मेटल होता है, इस मेटल में पोर करते हैं तो रिएक्शन होने के बाद इस मेटल के अंदर क्या बच जाता है? जिंक सल्फेट जो एक्वस होता है। एक्वस का मतलब हमेशा कोई सॉलिड लिक्विड के साथ प्रेजेंट है ना प्रेजेंट। जिंक एक सॉलिड है और ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड एक लिक्विड है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन ये जैसे ही रिएक्ट हुए इसके साथ ही क्या निकला है? एक गैस निकला है, और वो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इसके लिए ये वाला साइन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चेंज इन कलर पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। यहाँ पे मैंने ये वाला साइन बनाया है। ये वाला साइन कब बनाते हैं? जब किसी रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट मिक्स नहीं हो रहा होता है और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बच जाता है। प्रेसिपिटेट का फॉर्म में बच जाने का मतलब है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम, जैसे एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है। इस रिएक्टेंट को जब आपस में हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ फॉर्म हुआ है, एक प्रोडक्ट डी फॉर्म हुआ है और एक प्रोडक्ट सी फॉर्म हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो डी प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो एक्वस में हुआ है, एक्वस मतलब इसके साथ वो मिक्स हो चुका है, बट जो सी प्रोडक्ट हुआ है फॉर्म वो कैसा हुआ है? सॉलिड। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कैसे ग्रेनुल्स पड़े हैं, इसका मतलब क्या है? ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाया। तो प्रेसिपिटेट भी कुछ ऐसा ही होता है, जब रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है और वो इनसॉल्यूबल रह जाता है तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है बॉटम में। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? जब वाइट वॉशिंग करने वाला अप्लाई करता है वॉल के ऊपर, क्या अप्लाई करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सराउंडिंग में क्या है? CO2, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो थोड़ी देर के बाद हमें क्या दिखाई देता है? वॉल वाइट वाइट कलर का, वो एक्चुअल में होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। पार्टिसिपेट बच गया क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, और वाटर क्या हो जाता है? ड्यू टू सनलाइट ये इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है। यहाँ पे देख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड
जब अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स होता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है? बेरियम क्लोराइड। और देखो ये पेरिसिपेट का साइन दिख गया, और कैसा कलर है इसका? वाइट कलर का, ये भी वाइट कलर का होता है। और साथ में क्या निकलता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कभी भी रिएक्शंस में ऐसे चीज होता है तो हम क्या बोल देते हैं वहाँ पे, कौन सा रिएक्शन हुआ है? केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या है? जब ये मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक्चुअली कभी भी कार्बन प्रोडक्ट बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमेशा हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। हीट रिलीज करा मतलब चेंज टेम्परेचर में आया है। पहले कैसा था? कूल था, ठीक है, और जैसे इसको बर्न करा तो क्या हो गया? ये हॉट हो गया। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब एक स्टेट से सॉलिड से लिक्विड में चले जाना, लिक्विड से गैस में चले जाना, या फिर सॉलिड से गैस में चले जाना। यहाँ पे एग्जांपल किसका है? हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर। और वाटर कैसा स्टेट होता है? वाटर का लिक्विड स्टेट। ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है? गैसेस स्टेट, बट जो फॉर्म हुआ है वो कैसा स्टेट है? लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अभी तक हमें पता ही चल गया कि केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस आर चेंजेस इन विच रिएक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्ट एंड किस में ट्रांसफर होता है? प्रोडक्ट्स में, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। एक्चुअली में होता क्या है, ये जितने भी यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, ये साइट रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यहाँ पर जो ये बने हुए हैं H2SO4, देखा ये H2 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपस में कैसे बने हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ये कभी भी कोई कंपाउंड क्रिएट होता है तो वो आपस में हमेशा बॉन्ड बनाते हैं, और रिएक्शन उनका जब होना स्टार्ट होता है तो ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होगा तभी तो नया कोई बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पर इस सल्फर सल्फेट ने, SO4 ने इस H2 के साथ बॉन्ड बना रखा था, बट जैसे ये जिंक आया इसके साथ तो इसने क्या करा? इस सल्फेट के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जिंक SO4 के साथ रिएक्ट कर गया और इसने एक बॉन्ड नया क्रिएट कर दिया। इसके साथ क्रिएट करा? जिंक के साथ करा। तो यहाँ पे ये चीज़ यही लिखी हुई है कि कभी भी रिएक्शन जो हो रहा होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन जाना किसके थ्रू? बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का बनना और टूटने के वजह से, ठीक है, अलग अलग एटम्स में। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये होता है साइन गिब्स। गिब्स मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स देता है। ये साइन यहाँ पे देखो, लिब्रेट इवॉल्व, गैस कोई निकल रहा है। इसके अलावा हमें किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके स्टेट को लिखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन को देखते ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। जैसे ये ऊपर लिखी हुई रिएक्शन, जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ZnSO4 और H2 लिबरेट करता है। अगर यहाँ पर सॉलिड ना लिखे तो हमें कैसे पता चलेगा जिंक सॉलिड में? या फिर यहाँ पे एक्वस ना लिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉलिड है और लिक्विड फॉर्म में, दोनों सॉलिड और लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। और यहाँ पे भी रिएक्शन होने के बाद वो सॉलिड और लिक्विड मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पर ये गैस में लिबरेट हो रहा है। ये सब कैसे पता चलेगा जब तक हम ये साइन नहीं लगाएंगे? जैसे यहाँ पे इन्होंने गैस नहीं लिख दिया लेकिन ये साइन लिख दिया है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये इवॉल्व हुआ है? और गैस ही इवॉल्व होता है हमेशा, ना ही सॉलिड इवॉल्व होता है ना लिक्विड इवॉल्व होता है। सॉलिड क्या है? बचता है। उसके लिए हम कैसा साइन यूज़ करते हैं? प्रेसिपिटेट का। गैस लिबरेट होता है, उसके लिए इवॉल्व का। कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? एक्वस सोल्यूशन। और गैस के लिए जी, लिक्विड के लिए एल और सॉलिड के लिए एस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इफ यू हैव एनी क्वेरी और यू नीड एनी काइंड ऑफ डाउट सेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। सो गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।